Assalamualaikum friends, hello everyone, namaste, आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे। एकदम फिर से आज की जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखने वाले हैं सुरेश चब चब की मुश्किल सा नाम है सेवेज न्यूज एंकर, तो भाई कटर हिंदू ठग लाइफ देखने वाले हैं। मजा आएगा वीडियो को देखने में, प्लीज वीडियो कैंड तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज के जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं तो क्या होता है, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया महादेव को? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले उससे पहले से आए। ये बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा। उनके पास कुरान भी था। ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गए। नहीं तो नहीं, बड़ा मुझे सिर्फ फर्क, मुझे सिर्फ फर्क दिए, मैंने सिर्फ फर्क दिए, मैंने सिर्फ फर्क, बड़ा मुझे सिर्फ फर्क मुझे सिर्फ दिए, मैंने सिर्फ फर्क। तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? ऐसा नहीं, हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। ऐसा नहीं है, हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आप? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। काम इंटरव्यू लेना हमारा आपका बड़ा आसान काम है, जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशन हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो। ये आप करते हो, ये आप करते हो, जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ हाँ, लेकिन आतंकवादी समाज तक नहीं बनते। का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। जी है भैया जी, आप तो आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है, ये मैंने आपका और मैं संघ का संयोजक था, अच्छा, हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये तो लाइफ टाइम, ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपके चैनल पे कुछ 2-3 लाइन लिखी थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे। एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू अजमी, कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में, आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आँच नहीं आ सकती, और सुनिए उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाईकोर्ट ने सजा खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं, ताली बजाइए आप। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू अजमी, उससे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू अजमी। ये तो मजाक हो जाएगा ना, ऐसा है ना? तो मजाक है ना, ये तो कागज पे आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं शरद पवार ने झूठ दिया, पता नहीं। शरद पवार अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाखों रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने? आप
अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में, अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नायक का क्यों समर्थन कर रहे थे, क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं, जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आप ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था, जो आप जिसको जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है, वो तो ऐसे संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए उसमें से एक वो भी था। अरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, एक्चुअली हम टू बी प्राइम मिनिस्टर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते और कहते हैं या तो पागलखाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें, पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े, चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है, इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना, या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री आप कोई भी चलते चलते देखिए जैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुपर नहीं चाहिए था, लेकिन आप वो कुत्ते आ गए। म्यूजिक अल्लाह वो जो आलू का भाजी बदल लिया साला, जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय भी अल्लाह मुंह में आ रहा है, ये गड़बड़ ऐसा होता है। देखिए अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। आप भी पूछ लीजिए। हाँ तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए, हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के लिए बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उनपे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अच्छी, मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं, तो खत्म, सब छोड़ के आए, सब छोड़, पीछे जाने का रास्ता बंद कर गया। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल, अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं होना। हमारा, हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है जहां प्रभु। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई इनके, हमने फर्स्ट टाइम वीडियो पे किसी रिएक्शन दिया, तो भाई एक न्यूज़ एंकर रहेंगे शायद, तो जो खास तौर पे राहुल गांधी की पार्टी है ना उनको बुला के, तो उनके जो नेता है उनसे सवाल खासे। आज आपको पता है कि भाई इंडिया में जो काफी न्यूज एंकर भी वैसे मशहूर होते हैं, वो एक गोस्वामी है, वो भी ना बड़े ऐसे ना हेडलाइंस में आते ही रहते हैं, उनकी भी डिबेट्स वगैरह की चलती रहती है। और भी कितने, दो चार और भी हैं, लेकिन ये इनका तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो भाई ये इनके शो पे बैन लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा बातें की गई, और इलेक्शन आने वाला होता है फिर इन्होंने हर एक से इंटरव्यू करते हैं, जाकर उनसे पूछते हैं, और फिर आपको पता है कि वो जैसे जैसे सवाल पूछते हैं, वो जो नेता या पे भी ना एंकर्स होते हैं वो किसी मतलब पार्टी को बुलाएंगे, उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो उस बंदे को गुस्सा चढ़े, लेकिन वो बहुत ज्यादा आराम के साथ जवाब देते हैं कि वाह हमको जो है ना हमारे जवाब अच्छे लगे। आप बताएं जी, अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं, आप अगर जीत जाते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए
क्या करेंगे, फिर वो उनसे बताएंगे जी हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अभी तो वैसे भी इलेक्शन का माहौल बना हुआ है इंडिया में, मुझे लगता है काफी सारा, काफी ज्यादा कंट्रीज में ना अभी इलेक्शन होने वाले, पाकिस्तान में भी होने वाले, इंडिया में भी और भी कंट्रीज में होने वाले हैं। तो एक दो साल के अंदर पूरी दुनिया में लगता है इलेक्शन जैसे होना स्टार्ट हो जाने, उनकी राय क्या है, वो किसको वोट देना पसंद करे, आप किसको, आपके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ लोग भाई एक पार्टी को कर रहे हैं, कोई दूसरे को, हर एक अपना अपना ओपिनियन है। जब रिजल्ट आता पता तब चलता है कि यार किसको ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर जब इसका नतीजा आते हैं तो फिर जो मतलब पार्टी को बंदा सपोर्ट करता है वो जीत जाए तो बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। बेसिकली आपको वोट भी उसी पार्टी को देना चाहिए जो आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपकी कंट्री के लिए कोई अच्छा काम कर रही है, आप में डेवलपमेंट आ रही है आपकी कंट्री में, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तो इसी वजह से ना आपको भी वोट्स भी देने चाहिए। बिल्कुल वही सोच समझ रखते हुए आपको देखनी चाहिए कि कारकर्दगी उन्होंने जो इतने साल में है क्या की है उसके मद्देनजर रखते हुए फिर वोट। लोगों को चाहिए भी यही होता है, लोगों को चाहिए होता है स्कूल होने चाहिए अच्छे सरकारी स्कूल में, आपको पता है फीस कोई भी नहीं होती, फ्री में एजुकेशन होती है, ये चीजें से बोलते हैं, सेहत के बारे में सारा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही चलता है। काम हो, सड़कें बनी हो, ये सब चीजें हो तो फिर लोग उसी को वोट देते हैं। अभी देखते हैं इंडिया के इलेक्शन और पाकिस्तान के इलेक्शन दोनों का क्या बनता है। वीडियो कैसे लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है।